हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई अनद इंस्पायर लुक ऑफ़ द सीरीज़ ये जो लुक है ये मैंने रिक्रिएट किया है कंगना रानावत का मनी कर्णिका मूवीज़ का एक लुक उनका काफ़ी सारे लुक्स वहाँ पर थे बट मुझे ये लुक काफ़ी पसंद था तो मैंने इसको रिक्रिएट किया है तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहूँगी और ये है स्किन प्योरीफाइंग सिरम दिस इज़ फॉर्म गुड वाइव्स नहीं ये आ, डाम डॉ का है हाँ यह रामडॉक का ही है तो मैं पहले अपनी स्किन में सिरम अप्लाई कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी ये बायोटिक को वही विजा मॉइस्चराइज़र है मेरा फेवरेट एंड ये खत्म होने वाला है मैं बस थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके मैं अपनी आ, फेस पे अप्लाई करूँगी और उसको अच्छे से मसाज करूँगी यू नो कोई भी मेकअप की पहले एक अच्छा स्किन केयर हमेशा ज़रूरी होती है उसके बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए हाँ दैन मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ आप आ, मैंने यहाँ पे पीके का प्राइमर अप्लाई किया है आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं एंड नहीं तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं इट्स लाइक अ प्राइमर एक्चुअली एक्चुअली मैं हमेशा आई मेकअप पहले करती हूँ बस इस लुक के लिए मैंने पहले फेस मेकअप स्टार्ट कराया मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अपनी फेस पर सो so नेक्स्ट मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एंड मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको आइस की न, मतलब अंडर आइस पे नहीं ब्लेंड करनी है अप्लाई ही नहीं करनी है क्योंकि या तो क्रीज़ हो जाती है आपकी अंडर आई एरिया फ्लप नहीं लगती है जो एक्चुअली चाहिए हमको तो इसलिए हमको अंडर आइस पर नहीं लगा लगाना है क्योंकि वहाँ पर हमको कंसीलर लगाना है इसलिए मैं वही दिखा रही थी नेक्स्ट मैं यहाँ पे एन वाई पी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसीलर मैं एकदम इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो जगह ज़्यादा ब्लैक ही लगती है यू you नो know? तो इस वजह से तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप में कंसीलर अप्लाई करनी है बस जहाँ जहाँ आपको चाहिए अब हाईलाइटिंग हाला, की ज़रूरत है एंड अगेन मैं वो ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ आपको धीरे धीरे ब्लेंड करना है मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड की है बट आप धीरे धीरे ही ब्लेंड करना जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो वो जगह पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना हाँ मैंने करेक्टर अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है पहले से इसलिए करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आपको पड़ी है तो आप लगा सकते हो बेस कंप्लीट करने के बाद अंडर आइज़ पे जो क्रीज़ आ जाती है ना फाइन लाइंस काइंड ऑफ आ जाती है उसको इग्नोर करने के लिए आप अच्छे से बेक करना ज़रूरी होता है तो आप अगर लूज पाउडर यूज़ करोगे ना तो सबसे अच्छी बात है और या तो कॉम्पैक्ट से भी काम चला सकते हो तो मैंने यहाँ पर लूज पाउडर अप्लाई किया है ये शुगर का है ये ट्रांसलूजन पाउडर है मैं अपने ब्राउन्ज एरिया को भी करूँ एंड अभी मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ तो मैं बेसिकली आई शेडो यूज़ करती हूँ कभी कभी यू you नो know, पेंसिल यूज़ कर लेते हैं बट अभी मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को क्रिएट करने के लिए बहुत धीरे धीरे हम करेंगे आईब्रोज़ को फिल ज़्यादा मोटा नहीं करना है हमको ना हम कॉम कर लेंगे एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को भी ब्लेंड कर लेंगे अभी हम आईब्रोज़ को एक शार्प लुक देंगे ये ऑप्शनल है आप चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते एक्चुअली मैं कर रही करी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने थ्रेडिंग नहीं करा है मैं घर में ही वैसे कर लेती हूँ तो इसीलिए मैं शार्प लुक देना चाहती हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से हम कंसीलर को लेंगे और धीरे धीरे हम आईब्रोज़ के नीचे से जैसे शेप चाहिए हमको थिन चाहिए तो उस तरीके से हम शेप देते जाएंगे एंड क्रीज पे भी अप्लाई करेंगे पूरी आई पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्रश से मुझसे तो स्पेशली ब्रश से उतनी अच्छी ब्लेंड नहीं हो पाती है इफ़ यू आर एक्सपर्ट तो आप कर सकते हो तो मैं इसलिए ब्लेंडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि हार्श ना लगे देन हम इनसाइड का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं और बेक कर लेंगे हमारी अपर आई को लिड को जहाँ पर हमने कंसीलर अप्लाई किया था बेक करना ज़रूरी है नहीं तो आई हो जाती है ओके सो आई मेकअप जो था उनका वो मुझे जितना तो समझ में आया वो थोड़ा स्मोकी काइंड ऑफ आई मेकअप था तो मैं यहाँ पे स्मोकी आई मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा मैच नहीं हो भी हो सकता है बट मैं मे, मे, मेरे हिसाब से करूँगी तो मैं पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी मैंने कौन सा कलर पिक किया ये थोड़ा ग्रेइश ब्राउन कलर है पिक किया है मैंने उसको नेक्स्ट so, मैंने एक ब्लैक कलर पिक किया है आप चाहे तो यहाँ पर काजल भी अप्लाई कर सकते हो बट मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मोकी लुक चाहिए था तो जिस वजह से मैंने आई शाडो ही अप्लाई किया है आप चाहे तो काजल अप्लाई कर सकते हो पर उससे थोड़ा डार्क हो जाती है बट यू नीड अ गुड ब्लेंड एक्चुअली राइट सो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे कर रही हूँ बट आपको फर्स्ट फॉरवर्ड में दिख रही है सो so आप धीरे धीरे ही ब्लेंड करना उसको बहुत ही देन मैं एक सॉफ्ट ब्राउन ले रही हूँ आपको स्वचेज दिख के या स्क्रीन पर कलर दिख जाएगी मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट शो करना भूल गई थी तो मैं वो ब्राउन लेके थोड़ा सा यू नो फ्रंट ऑफ द कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम पूरा ब्लैकनीस देन हम एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से हम उसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो हार्श ना लगे और उसका जो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट है वो एकदम ब्लेंड हो जाए बहुत ही प्रॉपरली ब्लेंड ज़रूरी होती है देन हम जो बेक के लिए रखे थे लूज पाउडर जो बेक होना था वो हो गया है इतनी देर में तो बाकी जो एक्सेस है और जो भी फॉल आउट हुई है उसके ऊपर हम सबको रिमूव कर देंगे एक फ्लफी पाउडर ब्रश की मदद से लुक एट दैट ये सेट हो गया जेल लाइनर ले रही हूँ एक्चुअली पहले मैंने ब्लैक लाइनर लिया था जेल में बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था तो इस वजह से मैंने ब्राउन कलर लिया एंड वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा विंग भी क्रिएट किया है कोई भी बोल्ड आई मेकअप करो स्मोकी आई मेकअप करो कुछ भी करो आपको अंडर आइज़ को भी यू नो स्मच करना जरूरी होता है नहीं तो बहुत डिफरेंस हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है मुझे वो नहीं चाहिए मुझे एकदम तो प्रॉपर नेचुरल काइंड ऑफ चाहिए तो इसलिए मैं नीचे थोड़ा स्मच कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो से ही आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा मैं वन कोट अप्लाई करूँगी मस्कारा का क्योंकि मैं यू नो फॉल्सिस अप्लाई करूँगी जब भी मैं फॉल्सिस अप्लाई करती हूँ तो मैं मस्कारा एक कोट ही लेती हूँ एन भी मैं कर रही हूँ ब्राउन्स तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैलेट से कंट्रोल शेड लेके मैं ब्राउन्स कर रही हूँ पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ मैं ब्राउन्स करना चाहती हूँ चिक बोन्स पे नोस पे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो बट ये क्रीमी काइंड kind ऑफ of था तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ एंड एज़ यू नो कि मुझे ब्लेंडर से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि अच्छे से ब्लेंड हो जाती है मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँ कि जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड करना है आपको नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो पगड़ी पहनी थी उन्होंने अपने सर पे वो मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक विंटर कैप वेयर की है रेड कलर का उसके ऊपर मैंने ये गोल्डन uh, कलर का जो कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड कर रही हूँ धीरे धीरे एंड काफ़ी सारे पिंस भी लगे हैं इस पगड़ी को बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे पिंस की मदद लेनी होगी मैंने जैसे बताया तो मैंने दोनों साइड को पहले सिक्योर कर दी हूँ दोनों बॉबी पिंस की मदद से दो नहीं यहाँ पे चार बॉबी पिंस एक्चुअली लगा था एंड ये बनाते हुए काफ़ी वक्त लग गया था मुझे तो मैं सोच रही थी कि पहले मुझे पगड़ी बनाना चाहिए था उसके बाद मेकअप करना तो इट्स ओके तो उसके बाद मैं प्लेट्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था उनकी यू नो काफ़ी सारे प्लेट्स थी इसलिए और फिर उसको मैं सिक्योर कर रही हूँ एंड काफ़ी सारे पिंस भी लगे थे एंड जो कपड़े हैं वहाँ पे होल भी हुए थे क्योंकि पिंस की वजह से हेयर पिन लगाते हो वो बात अलग है एंड ये तो कपड़े है तो इस पर तो छेद होने वाली है देन मैं जो पीछे वाली एक्स्ट्रा पार्ट थी उसको मैं सामने लेके आऊँगी एंड ये जो है ये थोड़ा कटा हुआ कपड़ा था जिस वजह से इसका शेप एकदम तो अलग इक्वल नहीं था तो उसको इक्वल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा यू नो मैनेज किया उसके बाद उसको फ्रंट में जाके यू नो वहाँ पे सिक्योर कर दिया पेन नहीं लगा था बस टोपी के अंदर उसको रख दिया बस हो गया और उसके बाद उन... आ, देन मैंने यहाँ पे बिंदी अप्लाई किया है जैसे उन्होंने की थी मैंने काजल से बिंदी करा है ये हाफ मून बिंदी जो मराठी लुक में ज़्यादातर किया जाता है सोया मैं यहाँ पे हुदा का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ इन्हीं शेड म्यूज थोड़ा लाइट था उनका लिपस्टिक कंगना का तो इसलिए मैंने लाइट ढूँढा तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया सो ये बहुत प्यारे कलर भी है जो कलर था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया था उतना लाइट नहीं चाहिए था इसलिए मैंने मीनाओं का ये लिपस्टिक अप्लाई किया है इन्धी शेड ज़ीरो ट्वेंटी एट हाँ ज़ीरो ट्वेंटी एट सो ये लिपस्टिक बहुत अच्छे हैं सबसे फेवरेट पार्ट मेरा हाइलाइटर उन उनके फेस पे हाइलाइटर नहीं समझ में आ रहा था बट मैंने किया है मुझे पसंद है ये पार्ट एंड दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक ज्वेलरी भी मैंने वेयर की है सारी ज्वेलरी लोकल स्टोर की है कुछ uh, मैंने फेसबुक पेजेस से बाई की है सो so, काफ़ी प्यारे लुक थे काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक थी उनकी कैरेक्टर भी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी तो मुझे ये लुक बहुत पसंद आया है आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में बताना एंड अगर पसंद आया है ये लुक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ओके सो so, नेक्स्ट मिलती हूँ मेरे ने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर